तो गाइस रिसेंटली रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मार्वल स्टूडियोज के साथ एक मीटिंग हुई, जिसके साथ ये रूमर चलने लगा कि शायद हमको RDJ MCU में फिर से दिख सकता है। अब ये किस कैरेक्टर के लिए हमें पता नहीं, लेकिन रूमर चल रहे हैं कि शायद हमको टोनी स्टार्क रिबॉर्न होते हुए दिख सकता है। लेट्स सी हाउ इट कैन हैपन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्क्रीनवर्स। माय नेम इज शिवम और आज मैं बात करने वाला अबाउट रेजरेक्शन। जोक्स अपार्ट, आज का टॉपिक है विल टोनी स्टार्क बी रिबॉर्न इन एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। एवेंजर्स मूवी आयरन मैन के बिना हम फैंस इमेजिन भी नहीं कर सकते। रिसेंटली रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मार्वल स्टूडियोज के साथ एक मीटिंग हुई, जिसके चलते ये रूमर फैलने लगा कि शायद हमें RDJ टोनी स्टार्क के कैरेक्टर में कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में दिख सकते हैं। तो चले देखते हैं ये थियरी कैसे पॉसिबल है। इस रूमर को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट्स सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप कोई भी फैन थियरी मिस ना करें। मैं आने वाले टाइम में एक गिव अवे करने वाला हूं, जिसमें मैं ऐसे मार्वल और डीसी के टी-शर्ट्स अपने सब्सक्राइबर्स को दूंगा। हम सबका वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है टोनी स्टार्क, जो एवरी मूवी में एक न्यू आयरन मैन सूट के साथ हम फैंस को इम्प्रेस करता है। हमने देखा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब मल्टीवर्स आ गया है। तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो हम किसी भी यूनिवर्स या टाइमलाइन के आयरन मैन को देख सकते हैं, बट वो आयरन मैन बैटल ऑफ अर्थ के पहले का आयरन मैन होगा, जो मल्टीवर्स के बारे में नहीं जानता, बिकॉज आयरन मैन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट है जिसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं यहाँ किसी और टाइमलाइन के टोनी स्टार्क को लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टोनी स्टार्क के रिबॉर्न होने की। तो हम मार्वल स्टूडियोज के एक ऐसे कैरेक्टर को बोल रहे हैं जो अब तक दो ऐसे लोगों से लड़ चुका है जो मरकर जिंदा हुआ है, और उस कैरेक्टर का नाम है डेडेविल। I'm here. हमने मेन MCU में डेडेविल को शी-हल्क सीरीज में देखा है, और डेडेविल अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट ऐसे दो लोगों से लड़ चुका है जो रिबॉर्न हो चुके हैं। नोबू और इलेक्ट्रा, ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने डेयरडेविल की नेटफ्लिक्स सीरीज में मर के जिंदा होते हुए देखा है, और ये पॉसिबल होता है द हैंड नाम के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जो एक ऐसा सब्सटेंस ऑब्टेन करता है जो रेजरेक्शन में हेल्प करता है। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में एवेंजर्स एक ऐसे कैरेक्टर के साथ फाइट कर रहे होंगे जिसको फ्यूचर ऑलरेडी पता है, और ऐसे इंसान को हरा पाना बहुत मुश्किल है। कैंग इनफाइनाइट लाइफ टाइम जी चुका है, तो वो एवेंजर्स के साथ इनफाइनाइट टाइम लड़ भी चुका है और जीत भी चुका है। तो ऐसे इविल जीनियस को हराने के लिए एवेंजर्स को टोनी स्टार्क जैसे स्मार्ट जीनियस की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइम पर एवेंजर्स टोनी स्टार्क को याद करेंगे और डेयरडेविल सॉल्यूशन देगा कि उसे कैसे लाया जा सकता है। लेकिन हमने देखा है द हैंड जो सब्सटेंस यूज करता है रेजरेक्शन के लिए, वो मिडलैन सर्कल के नीचे दबा हुआ है, और उसे ऑप्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब सारे एवेंजर्स टीम अप हो जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। डेयरडेविल मिडलैन सर्कल से सब्सटेंस को ऑप्टेन करेगा और उसे यूज करेगा टू रेजरेक्ट टोनी स्टार्क। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इस प्रोसेस के सक्सेस के लिए टोनी स्टार्क का फिजिकल फॉर्म सही सलामत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्वल ये पॉसिबल कर सकता है क्योंकि हमने MCU में आयरन मैन को बरी होते हुए नहीं देखा, और मार्वल ये लूपहोल यूज करेगा टू रेजरेक्ट टोनी स्टार्क। एवेंजर्स को आयरन मैन से ज्यादा टोनी स्टार्क और उसके इंटेलिजेंस की जरूरत है। इस पॉइंट पर टोनी स्टार्क मल्टीवर्स के बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन टोनी स्टार्क एक जीनियस है जिसने एंड गेम में क्वांटम फिजिक्स के बारे में सिर्फ एक दिन में सीखा है, तो वो मल्टीवर्स के बारे में भी एक दो दिन में सीख ही जाएगा। तो गाइस ये थी मेरी फैन थ्योरी जो मैं चाहता हूं सच हो भी और ना। गाइस यंग एवेंजर्स को कौन रेड करेगा, अगर उसके बारे में जाना है तो यहां दिए गए वीडियो पे क्लिक करें। ऐसे ही कई सारी फैन थ्योरीज और फैन फिक्शन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आने वाले टाइम में एक गिव अवे करने वाला हूं, जिसमें मैं ऐसे मार्वल और डीसी के टी-शर्ट्स अपने सब्सक्राइबर्स को दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय-बाय।